नमस्कार दोस्तों, हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों आज मैं आ गया हूं आपको लेकर वार्ड नंबर 3 स्थित सरदार पटेल स्कूल के पीछे बने प्रांगण में स्थित माता जी जो स्थापित हैं दुर्गा माता जी, उनके दर्शन के लिए। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी ऑनलाइन दर्शन करिए घर बैठे ही दुर्गा माता जी के, और देख सकते हैं काफ़ी विशाल जो मैदान है यहाँ का। और ये देखिए माता जी के दर्शन करिए और देख सकते हैं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा माता की प्रतिमा, बहुत ही मनोरम है, मन को भाने वाली है। और उतनी ही अच्छी यहाँ की साज सज्जा भी है, लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी है, और कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए लाइटिंग का वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। और एक बार मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, यह प्रतिमा जो है वार्ड नंबर 3 स्थित सरदार पटेल के स्कूल के पीछे बने मैदान पर है। और अब हम आ गए हैं सरदार पटेल स्कूल के थोड़ा सा आगे जो है सिंहपुर तिराहा बोल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि यहीं से ये जो रोड देख रहे हैं यहाँ जहाँ से वाहन आ जा रहे हैं ये सिंहपुर रोड कहलाती है। और यहाँ पर भी प्रतिवर्ष जगत जननी माँ जगदम्बा जी यहाँ पे स्थापित होती हैं, यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ पे माता जी की स्थापना की जाती है। और मैं दिखाना चाहूँगा ये जो रोड जा रही है, ये जो सड़क है ये स्टेशन की ओर जाता है, यहाँ से आप स्टेशन जा सकते हैं, दरभंगा चौक जा सकते हैं। और देखिए यहाँ भी लाइटिंग व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, और यहाँ भी अन्य दुर्गा उत्सव समिति की तरह यहाँ भी प्रतिवर्ष भंडारे वगैरह का आयोजन होता रहता है। और ये देखिए यहाँ भी दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है और बहुत ही सुंदर है, और चारों तरफ देखिए फूलों का जो डेकोरेशन है ये देखते ही बनता है। और स्टेज की साज सज्जा के लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। और इसी अनुक्रम में अभी हम आ गए हैं दरभंगा चौक, रेलवे कॉलोनी दरभंगा चौक स्थित माँ दुर्गा पंडाल में। और यहाँ देख सकते हैं चारों ओर चकाचौंध कर देने वाली लाइटिंग है। और ये मैं बताना चाहूँगा ये जो इस रोड जा रही है यहाँ से आप रेलवे कॉलोनी की ओर जा सकते हैं, और ये जो अभी ऑटो जा रहा है, जी हाँ ये जो ऑटो जा रहा है इधर से आप बुढ़ार रोड जा सकते हैं, बस स्टैंड जा सकते हैं। और दूर से देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ इस बार विशेष यहाँ पे बनाया गया है, तो आइए अंदर चल के देखते हैं। और जी हाँ, जैसा कि मुझे अनुमान था कि कुछ विशेष, तो विशेष ये है कि इन्होंने प्रकृति के प्रति जो अपनी संवेदना है, जो इनके भाव हैं उसको व्यक्त किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से व्यक्त किया है कि प्रकृति है तो हम हैं और प्रकृति नहीं तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे सब कुछ दिखाया गया है, झरने हैं, कल कल बहते पानी हैं, और पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं। और देखिए सुंदर झरने का एक स्वरूप बनाया गया है, पहाड़ छोटा सा बनाया गया है, और ठीक उसके पीछे अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये जो बादल टाइप का दिखाई दे रहा है वो भी बहुत ही सुंदर है देखकर। वाकई में लगता है कि काफ़ी मेहनत की गई है यहाँ के लोगों के द्वारा दरभंगा चौक में। और हमारे एक भाई काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि दरभंगा चौक स्थित दुर्गा माता जी के दर्शन करवाइए, तो मैंने उनसे कमेंट में कमिट किया था कि भैया 2 दिन बाद देख लीजिएगा, तो अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। और देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के। और ये देखिए माता जी के दर्शन कर लीजिए, दरभंगा चौक स्थित दुर्गा माता जी के दर्शन आप कर लीजिए और हम भी कर रहे हैं, और पुण्य का लाभ उठाइए। और मैं बता दूं दरभंगा चौक रेलवे कॉलोनी और सिटी के बीच का जो एक कड़ी है उसे जोड़ता है, यहीं से आप सिटी एरिया में जा सकते हैं, यहीं से आप रेलवे कॉलोनी की ओर जा सकते हैं। हमारा तो पूरा बचपन बीता है दरभंगा चौक और क्या नाम से रेलवे कॉलोनी घूमते घूमते, यहीं से हम स्कूल पढ़ने जाया करते थे छोटे छोटे थे तो। और देखिए ये बहुत ही मन को लुभाने वाला दृश्य है, ये जो कृत्रिम तौर से बनाया गया छोटा सा झरना है। और अब हम आ गए हैं बहुप्रतीक्षित जमुई ग्राम में, और जमुई ग्राम में विराजी दुर्गा माता जी के दर्शन करेंगे।
और यूँ तो जमुई ग्राम को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, और आप सभी जानते हैं कि जमुई ग्राम अभी पिछले दिनों कोविड वैक्सीनेशन के 100% डोज कंप्लीट करने के मामले में काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी प्रशंसा हुई यहाँ की। तो खैर अब हम चलते हैं, ये देखिए ये मेन हाईवे है यहाँ का, ये बुढ़ार की ओर जा सकते हैं इस मार्ग से, और दिखाना चाहूँगा अभी जहाँ से हम आए हुए हैं, ये जमुई का गांव है। हालांकि रात के समय बहुत ज़्यादा आपको समझ में तो नहीं आएगा, और ये जो रोड जा रही है यहाँ से आप शहडोल की ओर जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं जमुई ग्राम में बिराजी दुर्गा माता जी के दर्शन करते हैं। और बता दूं कि यहाँ प्रतिवर्ष दुर्गा माता जी विराजमान होती हैं, यहाँ के ग्रामवासियों के द्वारा बड़े ही भक्ति भाव के साथ दुर्गा माता जी की पूजा और आराधना की जाती है, और न सिर्फ जमुई से बल्कि शहडोल नगर से भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए माता जी के। और काफ़ी चर्चा का विषय रहता है यहाँ का जो दुर्गा पंडाल है, और क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ नया मिलता है झांकी देखने को। और देखिए यहाँ दूर से ही मैं दिखाना चाहूँगा, पहले देखिए दुर्गा माता जी का जो पंडाल बना है और जो यहाँ की साज सज्जा है वाकई में काफ़ी बहुत अच्छा है। और यूँ तो कहा जाए देख सकते हैं मेले टाइप का, एक छोटा सा मेले टाइप का स्वरूप है, और आसपास जो मंदिर हैं वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग की गई है, झालर की लाइटिंग की गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर्ष और उल्लास का प्रतीक माना जाता है प्रकाश, और प्रकाश की पूर्ण यहाँ पे समुचित व्यवस्था की गई है, और देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। और जबकि अभी काफ़ी समय हो चुका है, रात को करीब 9 बज रहे होंगे, तब पर भी लोग आ रहे हैं, और कल महाअष्टमी है तो हो सकता है और ज़्यादा भीड़ बढ़े यहाँ पे माता जी के दर्शन के लिए आएंगे। बताना चाहूँगा जमुई स्थित दुर्गा पंडाल में समय समय पर यहाँ पर कई प्रकार के विविध कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे कि माता जी के भजन होते हैं, और कभी कभी बाहर से ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी आते हैं माता जी के भजन के लिए। हालांकि कोविड के होने के कारण अभी फ़िलहाल तो यह कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, और फिर भी लोगों की भक्ति और भावना की बात कही जाए तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग आ रहे हैं दर्शन कर रहे हैं, और पूरी भक्ति भावना से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करते हैं, और समय समय पर यहाँ भंडारे वगैरह का भी आयोजन होता रहता है, हो सकता है एक आध दिन में भंडारा देखने को मिल जाए। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आसपास के ग्रामीण हैं और शहर के लोग हैं यहाँ आकर माता जी के दर्शन कर रहे हैं और पुण्य का लाभ उठा रहे हैं। और चलिए हम भी आपको नज़दीक से दर्शन कराते हैं माता जी के, ऑनलाइन आप भी घर बैठे दर्शन करिए जो जमुई नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप शहडोल आते हैं इस नवरात्रि के दौरान तो एक बार आपको जमुई ज़रूर आना चाहिए दर्शन करने माता जी के। और देखिए कितना भव्य पंडाल है, और उतना ही भव्य यहाँ का माता जी का स्वरूप है, और बहुत ही मतलब सुंदर है, वर्णन जितना किया जा सके शब्दों में कम ही होगा। माता जी कि जो प्रतिमा है बहुत ही सुंदर है, और सभी को आशीर्वाद प्रदान करने वाली छवि है, ऐसी है माँ की छवि यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने भी हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहें हमारा शेड्यूल यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद जय भारत।